नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनील कुमावत। और अभी जो आप ये पेपर देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स पीजीटी का पेपर है, केवीएस पीजीटी का पेपर है ये। और हम इसमें किसके पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं 25 से आगे के क्वेश्चंस की। तो देखते हैं 25th क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में किया था, पहला को क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक। देखिए, इलास्टिसिटी के लिए हम बात करें तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, मतलब प्राइस बढ़ेगी या घटेगी तो कितनी क्वांटिटी चेंज होगी। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट जो होता है उसमें यदि हम प्राइस में थोड़ा भी चेंज करेंगे तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है ना। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आलू प्याज वगैरह बेच रहे हैं या हम कोई सब्जी या खुले सामान बेच रहे हैं, तो इन चीज़ों में क्या होता है कि आप यदि प्राइस में चेंजेस करेंगे तो कस्टमर कहीं और चला जाएगा। तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, इसकी इलास्टिसिटी कहलाएगी परफेक्टली इलास्टिक। ये होगा परफेक्टली इलास्टिक, तो इसका आंसर है परफेक्टली इलास्टिक। ठीक, खैर मैं और बातें डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि यदि आप मान लीजिए इसकी जगह दिया होता कि मान लीजिए मेडिसिन का दिया होता तो मेडिसिन में परफेक्टली इन इलास्टिक आंसर होता, मेडिसिन का दिया होता तो, क्योंकि आप कितनी भी प्राइस बढ़ा लें, मेडिकल वगैरह की चीज़ें जो हैं वो मतलब कहें कि उसकी प्राइस भले आप कितनी बढ़ा लें या कम कर लें, उसकी क्वांटिटी वही की वही रहेगी। भाई जिसको बुखार आएगा वही तो गोली लेगा ना, हर कोई तो लेगा नहीं। तो जो इमरजेंसी वाली चीज़ें वो परफेक्टली इन इलास्टिक होती है और जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाले हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इन शॉर्ट पीरियड द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज ओनली थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ, शॉर्ट रन में हम किसके थ्रू प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। देखिए, आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा हो तो कोई बात नहीं। शॉर्ट रन की जब भी बात आ रही तब आपको बात करना है वेरिएबल, राइट। वेरिएबल इट मीन जो शॉर्ट टर्म में हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है, वेजेस है, ये सारी चीज़ें वेरिएबल कहलाती हैं। और फिक्स्ड को लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट रन की बात कर रहा है, इट मीन्स इसका आंसर जो है वो वेरिएबल है, राइट। और यदि लॉन्ग टर्म की बात करता तो आंसर फिक्स्ड होता। ठीक, हम क्वेश्चन के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वो भी देख रहे हैं, इसलिए मैं बाकी ज़्यादा ज्ञान बांट रहा हूँ आपको। ठीक, अदरवाइज हम जल्दी भी आगे बढ़ सकते हैं। खैर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनाइट, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा है, राइट, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज डिक्रीज जो भी दे रखा है, नो मैटर सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या वहीं की वहीं रहेगी, भले सप्लाई बढ़ रही हो या घट रही हो। देखिए, सबसे पहले हम देखें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी, इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स जैसे आपने डिमांड कर्व इसका हम बनाएंगे तो डिमांड कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा। इट मीन्स ये कि आप कितना भी जो है कि आप यदि मतलब इसमें यह कि आप परफेक्टली इलास्टिक वाली बात हो गई, राइट। तो ये तो हो गया डिमांड कर्व, मैं वापस से बना देता हूँ, एक मिनट, ये सॉरी, ये रहा डिमांड कर्व। अब आप सप्लाई, ये रहा सप्लाई कर्व, ये दोनों जो इंटरसेक्ट होते हैं इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब सप्लाई आप बढ़ा भी दो कितनी भी बढ़ा दो, प्राइस वहीं की वहीं रहेगी। इस साइड जो होती है वो प्राइस होती है, इस साइड जो होता है वो क्वांटिटी होती है। तो आप क्वांटिटी कितनी बढ़ा दो, यानी कि सप्लाई आप कितनी बढ़ा दो, प्राइस वहीं की वहीं रहेगी, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जब डिमांड इन्फिनिट होती है इट मीन्स जो डिमांड कर्व है वो किस टाइप का बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। खैर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिमिनिशिंग द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट वुड बी, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। देखिए, हमें पता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है फिर घटता है फिर माइनस चल जाता है। जब तक ये बढ़ेगा टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा और बढ़ती हुई रेट से बढ़ेगा, और जब ये घटेगा तब भी बढ़ेगा लेकिन उसके बढ़ने की रेट क्या रहेगी, कम रहेगी, राइट। तो जब इस अब हमारा क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन है और ये टोटल प्रोडक्शन है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्शन जब डिक्रीज होगा तब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो होगा, लेकिन
इंक्रीज होने की रेट जो है वो क्या रहेगी, कम रहेगी, राइट राइट है। तो हम देखें इसमें कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा लेकिन इंक्रीज होने की रेट क्या होगी, कम होगी, राइट। तो ये इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। अब इस बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक बार वापस से इसको रिवीजन करवा दूं मैं आपका, कि मार्जिनल प्रोडक्शन ये रहा, राइट है। अब मार्जिनल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग टोटल प्रोडक्शन होगा, यानी कि जब तक ये बढ़ेगा तब तक टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और जब ये बिल्कुल मतलब जीरो हो जाएगा तब तक ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर ये भी डिक्लाइन हो जाएगा। तो जब ये डिक्रीज हो रहा है तब भी बढ़ रहा है, और जब ये इंक्रीज हो रहा है तब भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ रेट ज्यादा है और यहाँ पर रेट कम है, ठीक। खैर आगे बढ़ते हैं। व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स, जब एवरेज कॉस्ट जो है कम होती है तब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होती है, या मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है, या मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट के से ज्यादा होती है, या मार्जिनल कॉस्ट जो है वो जीरो होती है। तो आपको इसके लिए करना क्या है, देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट का नेचर कुछ इस टाइप का होता है, यू शेप का नेचर होता है। और यदि आप एवरेज कॉस्ट की बात करें तो देखिए ये जो एक कर्व होता है, ये वाला जो मैंने पहले कर्व बनाया है मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो कर्व है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके पैरेलल ही एक कर्व और होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट ये वाला जो कर्व है इसकी बात है। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो कैसा रहेगा। तो व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स, देखिए एवरेज कॉस्ट जब कम हो रहा है, यहाँ पर देखिए आप जब कम हो रहा है तब मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट से कम है, हाँ बिल्कुल कम है। तो हमारा आंसर होगा ये ए, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से कम है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड शॉर्ट रन अ फर्म वुड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस, सॉरी अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड शॉर्ट रन अ फर्म वुड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस प्रोवाइडेड, यदि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो फर्म जो है अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेगी, कब तक, तब तक कंटिन्यू रखेगी जब तक कि वो इट इज एबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट, अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर ना कर ले तब तक, या इट इज एबल टू रिकवर इट्स टोटल कॉस्ट, या इट्स लॉसेस डज नॉट एक्सीड स्पेसिफिक अमाउंट, अब ये तो कुछ भी हो सकता है, इट इज एबल टू रिकवर इट्स फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए एक फर्म तब तक कवर कर सकती है जब तक उसका कम से कम उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कवर ना हो जाए, इसको हम दरअसल बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। तो शट डाउन पॉइंट तब तक नहीं आता है जब तक फर्म जो है अपने एटलीस्ट कम से कम वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कवर कर ले, राइट है। अब वेरिएबल कॉस्ट से हम सिंपल सी मीनिंग ये है कि एटलीस्ट जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम मान लीजिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमें रॉ मटेरियल का खर्चा है, वेजेस का खर्चा है, इस टाइप के जो खर्चे हैं एटलीस्ट ये तो निकल जाए। भाई आप फिक्स्ड खर्च जैसे कि आपका दुकान का किराया है, मान लीजिए शुरुआत में वो नहीं निकल रहा कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ आप बना रहे हैं कम से कम उसका पैसा तो आपको मिल जाए, ठीक। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन कॉम्पिटिशन, देखें किस टाइप के मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन वहाँ हो सकता है जहाँ एक ही राजा हो, और एक राजा कहाँ होता है, एक राजा होता है मोनोपोली में, ठीक। जहाँ एक राजा हो मोनोपोली, जहाँ कुछ राजा हो वहाँ पर, कुछ राजा इट मीन्स कुछ सेलर हो तो ओलिगोपोली, और जहाँ पर कॉम्पिटिशन भी हो और बहुत सारे सेलर भी हो वो मोनोपोलिस्टिक है, ठीक है। तो मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 35। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट इज इकोनॉमिक सरप्लस, डिफरेंशियल सरप्लस, पेमेंट फॉर यूज ऑफ बिल्डिंग एंड पेमेंट फॉर यूज ऑफ लैंड। तो देखिए यदि इसका यदि हम आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है पेमेंट फॉर यूज ऑफ लैंड। वैसे इसको इकोनॉमिक सरप्लस भी बोला जाता है,
लेकिन यहाँ जब यदि रिकॉर्डर की थ्योरी की बात हो रही है तो यहाँ पर इन्होंने इसको यूज किया एज ए पेमेंट फॉर यूज ऑफ लैंड, राइट। यदि इसका नाम नहीं दिया था तो हम इकोनॉमिक सरप्लस पे बात बोलता है इसको, लेकिन यह इन्होंने इस वर्ड के लिए यूज किया है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वासी रेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय जेस मिल, रिकार्डो, जे एम केन्सी एंड अल्फ्रेड मार्शल। यदि हम अल्फ्रेड मार्शल की बात कर रहे हैं तो अल्फ्रेड मार्शल ने ये जो है ये क्वासी रेंट वाली थ्योरी दी है। उसके अलावा अल्फ्रेड मार्शल जो है वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कहीं के सबसे बड़ा नाम है। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इनोवेटिव थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉज गिवन बाय, द इनोवेटिव थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉज गिवन बाय प्रोफेसर सिम्प्टन। ये जो ऑप्शन ए दिया हुआ है तो यही इसका सही आंसर है। प्रोफेसर सिम्प्टन जो आंसर दे रखा है यही इसका सही आंसर है। खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सब्ट्रैक्टेड एंड सब्सिडीज आर एडेड टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वी विल गेट। देखो क्या बोल रहा है कि नेट इनडायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स आर सब्ट्रैक्टेड एंड सब्सिडीज आर एडेड। तो यदि हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करें सब्सिडी को प्लस करें तो इसको हम बोलते हैं एनआईटी, राइट है। तो ये बोल रहा है हम एनआईटी को यदि हम यदि एनआईटी को यदि प्लस कर दें या हम कह दें कि इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करें सब्सिडी को प्लस करें तो हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस में यदि प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस जो दिया हुआ है ना मार्केट प्राइस से वो चीज़ हो जाएगी फैक्टर कॉस्ट पर, बाकी सारी चीजें वही की वही रहेगी। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एनआईटी से यानी इनडायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करने और सब्सिडी को प्लस करने से सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्क आता है और वो ये है कि मार्केट प्राइस पर जो चीज है वो फैक्टर कॉस्ट पर आ जाती है, ठीक। तो इसका आंसर होगा ए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 38 था, अब हम आगे बढ़ते हैं 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 ये लीजिए। एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट इज, ट्रांसफर पेमेंट, देखिए ट्रांसफर पेमेंट इट मींस ऐसा पेमेंट जिसमें जो आपने कमाया ना ही हो, जो ऐसी इनकम हो जो कोई कमाया कमे हुई नहीं हो, जिससे हम कोई रेंट वेजेस रॉयल्टी वगैरह ये सब ना हो। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो देखा ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर पेमेंट है क्योंकि ये किसी मतलब आपने कमाई हुई नहीं देती, गवर्नमेंट ये आपको दे रही है। फिर यदि हम बात करें बोनस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई, ये तो उसको अपनी सैलरी की वजह से मिलता है, तो ये फैक्टर इनकम है। यदि मान लो फैक्टर इनकम दिया था तो ये सही होता है। कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ लैंड, ये भी फैक्टर इनकम है। रिटायरमेंट ऑफ पेंशन, ये भी फैक्टर इनकम है क्योंकि ये उसके खुद की कमाई है, ठीक। तो ट्रांसफर पेमेंट का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, अब क्वेश्चन नंबर 40 आप देखें। द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज रिफर्ड एज, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं सेल्फ, जैसे कि चार्टर अकाउंटेंट हुआ, डॉक्टर हुआ, तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं इनकी इनकम को हम बोलते हैं मिक्सड इनकम, ठीक है। द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज नोन एज मिक्सड इनकम। खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। Which of the following is not included in calculation of national income? इनमें से हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए जो भी फैक्टर इनकम नहीं होगा उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट है। Employer's contribution to provident fund, ये तो इंक्लूड होता है। Unemployment allowances, अब इस पर हम बाद में आते हैं। फिर देखते हैं free service by government, government को फ्री में सर्विस दे रही है। नेक्स्ट डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, तो इनमें से ऑब्वियस ही बात है कि भाई जो है डिफेंस की बात कर रहे ये भी आएगा, हम यदि प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे ये भी आएगा। अब फिर हम बात करते हैं फ्री सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई सर्विसेज दे रही है, अब सर्विसेज दे रही है उसके लिए गवर्नमेंट को तो खर्च करना पड़ रहा है, तो इसमें से यदि हम सिर्फ एक ही चीज़ बचती है जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस कि बेरोजगार भत्ता जो गवर्नमेंट दे रही है, तो वो डायरेक्ट किसी को पेमेंट दे रही है, गवर्नमेंट खर्च नहीं कर रही, डायरेक्ट किसी को पेमेंट दे रही है और वो भी बिना किसी कमाई के। तो ये जो है ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। नेक्स्ट देखें हम
Which question number 42? Which one of the following is not the function of commercial bank? Commercial bank इनमें से क्या नहीं करता है? Credit creation करता है, loan advance देता है, issuing of note बिल्कुल नहीं कर सकता है भाई, ये तो RBI करती है, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक? Agency function भी करता है, तो इसका सही आंसर है issuing of notes. Issuing of notes commercial bank नहीं करता है, RBI करती है. नेक्स्ट यदि हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक की जो मनी मनी पॉलिसी होती है, मनी पॉलिसी का मनी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट में क्वांटिटी और क्वालिटी दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं. तो इसमें से कौन सा है, ये बोल रहे हैं कि क्वांटिटेटिव नहीं है. बैंक रेट क्वांटिटेटिव है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव है, कैश रिजर्व रेशियो भी क्वांटिटेटिव है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, क्वालिटेटिव है. तो ये इसका सही आंसर है. नेक्स्ट बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 44. टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट मतलब बैंक चाहती है कि पैसे ज्यादा हो. तो पैसे ज्यादा कब होंगे, जब लोगों को ज्यादा लोन मिलेगा. अब ज्यादा लोन कब मिल सकता है, जब बैंक के पास ज्यादा पैसे हो. तो बैंक के पास ज्यादा पैसे कब रहेंगे, जब रिड्यूस द स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो, हाँ इससे हो सकता है. इंक्रीज इन केस, यदि इंक्रीज कर देंगे तब तो बैंक की कैपेसिटी कम हो जाएगी लोन बांटने की. इंक्रीज इन बैंक रेट, तब भी जो है बैंक लोन महंगा बांटेगी तो लोग ले ना पाएंगे. तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. तो यही इसका आंसर है, रिड्यूस इन SLR स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो. इससे क्या होगा कि जो बैंकों को जो है अपने पास पैसा रखना है वो कम रखना पड़ेगा. कम रखना पड़ेगा मतलब वो ज्यादा लोन बांट सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 हम पढ़े. अ फर्म विल शट डाउन रादर देन कैरी ऑन प्रोड्यूसिंग इन द शॉर्ट रन. फर्म को जो है शट डाउन कर देना चाहिए. तो शट डाउन पॉइंट देखिए, हम लोगों ने शट डाउन पॉइंट के बारे में पढ़ा होगा. जैसे ये मार्जिनल कॉस्ट है, इसके बाद ये एवरेज कॉस्ट है हमें देखा जाए तो, और ये एवरेज टोटल कॉस्ट है, कुछ इस तरीके से कॉस्ट दी होती है. अब यदि ये इस वाले पॉइंट पर को टच करती है, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ तक का यदि हम रेवेन्यू कवर कर पाते हैं, इसको ब्रेक इवन बोलते हैं. और इसके बाद वाला जो एरिया होता है तो इसको हम शट डाउन पॉइंट बोलते हैं. यानी कि जब फर्म अपना वेरिएबल कॉस्ट भी कवर ना कर पाए. तो दरअसल वैसे कभी क्वेश्चन इस बारे में भी हो सकता है कि जब जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है और जो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, हम यहीं तक ही यदि मान लो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा रेवेन्यू आता मिलता है हमको, तो फिर जो है फर्म को शट डाउन कर देना चाहिए. अब खैर यदि हम इसमें मार्जिनल रेवेन्यू और यदि हम उसकी बात करें अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, तो वो हमें दिया हुआ नहीं है. लेकिन हमें यहाँ पर ऑप्शन बी यदि हम देखें, तो ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो देखिए इसका मीनिंग भी वही है कि हम वेरिएबल कॉस्ट भी कवर ना कर पा रहे. इट मीन्स ये कि हम जो हमारे रॉ मटेरियल है, जो वेजेस है, यानी इन जो चीज़ों को बनाने में जो हमारी जो कॉस्ट आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, उसको यदि हम कवर ना कर पाएंगे तो फिर ऐसे बिजनेस को करने का हमको फायदा नहीं है. तो ये वाले पॉइंट पर जो है बिजनेस को हमें बंद कर देना चाहिए. ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. किंग्ड डिमांड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. किंग्ड डिमांड कर्व, आपने डिमांड कर किंग डिमांड कर पढ़ा होगा, तो ये दरअसल ये ओलिगोपोली का पार्ट है. किंग्ड मतलब जो है डिमांड कर कहीं पर जंप कर जाता है बीच में, उसको किंग डिमांड कर बोला जाता है. तो ये ओलिगोपोली मार्केट का फीचर है. खैर आगे बढ़ते हैं. द टर्म फेड कॉइन बाय प्रोफेसर अमर्त्य सेन फॉर, ये आपने शायद पढ़ा हो कि फूड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फेमाइन एंड ड्राउट्स, फूड एंड डेवलपमेंट, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन. तो दरअसल ये जो है ये तो पढ़ने की चीज है, आपको पढ़ना पड़ेगा. फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन, इसके लिए फैड का वर्ड जो है यूज किया है अमृत सेन ने. ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 हम देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देखिए जो भी हमारे देश के अंदर रह रहा है बाउंड्री में, उसके अलावा जो हमारी जो राजदूत है, जो हमारे एम्बेसडर है, तो एम्बेसी है वहाँ पर जो व्यक्ति है, वो सब हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे.
अब इसमें देखें हम ऑप्शन, यूएस एम्बेसडर इन इंडिया, जो यूएसए में रहने एम्बेसडर है वो इंडिया में है तो वो यूएसए का ही कहलाएगा, यानी हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। फिर एम्बेसडर फॉर इंडिया इन यूएसए, भले वो यूएसए में है लेकिन है तो इंडिया का जो एम्बेसडर है ना, तो इट मीन्स ये हुआ कि ये हमारा आंसर है बी। खैर देखते हैं क्या सी वगैरह को भी आंसर सही क्या। फॉरेनर वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, वो फॉरेनर है ना तो ये नॉर्मल रेसिडेंट हमारा नहीं है, तो और ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसका एक ही आंसर है वो है बी। ठीक, तो इसका आंसर हुआ बी। खैर सॉरी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, लीकेज विच हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन इन द इकोनॉमी आर, इनमें से कौन सा लीकेज जो है जिसकी जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। देखिए सेविंग भी लीकेज है, इम्पोर्ट भी लीकेज है और टैक्स भी लीकेज है। सेविंग से इन्वेस्टमेंट हो जाता है, टैक्स से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाता है, यानी कि जो है गवर्नमेंट वापस उसको कहीं इन्वेस्ट कर देती है या वेलफेयर में लगा देती है, लेकिन इम्पोर्ट होता है तो ये क्या विदेशों में जाता है। अब उसका फायदा विदेशों को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, तो इसका सही आंसर होगा इम्पोर्ट। राइट, खैर आई होप कि आपको काफी कुछ चीजें समझ में आई होगी, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन कवर करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो ठीक लगा हो या इसमें आपको एडवाइस करना चाहें तो मुझे जरूर कमेंट करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।